कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में 5.3 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं और इस बार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। कर्नाटक चुनाव में मतदान के लिए सुबह सुबह ही बेंगलुरु के विजयनगर स्थित मतदान केंद्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वोट डालने पहुंची। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस समेत तमाम दलों ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रखी थी। जनता अपना फैसला आज बैलेट मशीन में दर्ज कर रही है। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने शिवमोग्गा के शिकारीपुरा मतदान केंद्र में वोट डाला। इस दौरान वे आम लोगों की तरह ही वोटिंग की लाइन में लगे रहे। कर्नाटक चुनाव में मतदान के लिए सुबह सुबह ही बेंगलुरु के विजयनगर स्थित मतदान केंद्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वोट डालने पहुंची। वही अभिनेता प्रकाश राज शांति नगर स्थित सेंट जोसेफ इंडियन स्कूल पोलिंग स्टेशन मतदान के लिए पहुंचे थे। वही इस दौरान पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से ज्यादा मतदान करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कर्नाटक के लोगों, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट करने का आग्रह किया है।